Whoa. The sulfonamides, and we walk outside and sun rays will occur, and even though photoallergy will be happen. Drug dependence, we are depend. If we not taken this drug, we are dependent. It can be bodily response to particular substance, and high tolerance for substance as your body adopt. Even some पेशेंट्स हैव फोबिया, अगर मैं हरे रंग की ये गोली खाऊंगा तभी मेरा बुखार उतरेगा, अगर ये मैं मेडिसिन लूंगा तो. इवन दो वी हैव डन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज, वी हैव गिवन नॉट मेडिकमेंट, जस्ट मेक दैट पर्टिकुलर टैबलेट एंड गिवन टू द पेशेंट, एंड पेशेंट हैविंग रिलीफ फ्रॉम पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, दे हैव फोबिया. सो द पर्सन हु आर डिपेंडेंट लाइक कोकेन, एम्फिटामिन, मैं चाय नहीं पीऊंगा तो मेरा सुबह वॉक नहीं कर सकता, उठ नहीं पाऊंगा. सो दे हैव डिपेंडेंट, ड्रग डिपेंडेंट्स. टेराटोजेनिसिटी मीन्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस थैलेडोमाइड्स कॉज, एंटी थायराइड ड्रग्स और लिथियम. ए वुमेन्स हु इज प्रेग्नेंट टेकिंग एंटी थायराइड ड्रग्स और लिथियम डेट कॉज द फीटल क्वाइटर्स. सो अनदर इज म्यूटाजेनिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटीज मीन्स genetic effect defect, usually oxidations of drugs result in productions of reactive intermediate which affect the genes and cause structural change in chromosomes that affect to the fetus also. Another is iatrogenic disease, that is drug induced disease, that is also cause physician induced disease, डॉक्टर की तरफ से डिजीज. सो दीज आर फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूटेड कॉज बाय द ड्रग्स. जैसे सेलिसिलेट, नेसेड्स, नेसेड्स कॉज द पेप्टिक अल्सर्स. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, अगर हम सेलिसिलेट एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर गिवन टू पर्टिकुलर पेशेंट्स, पेप्टिक अल्सर्स विल अकर्स. पार्किंसन बाय फिनोथायजिन्स एंड अदर साइकोटिक्स. Hepatitis will be occurs by isoniazid, means that we can say drug that induced by the physicians. So patients ka data lena, it's important. So patient counseling is important, patient ka data is important. Again I will discuss one example. I not disclose the name of the hospital, but in Delhi one clinical pharmacist discussed with me. सर हमारे यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, न्यू नेट, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पे लिख दिया बेबी ऑफ डैश और पिप्रसलिन टेजोबैक्टम ड्रग चाहिए, डेट इज 4.5 ग्राम्स. नर्स ने स्मॉल पर्ची बनाई, पिप्रसलिन टेजोबैक्टम और भेज दिया, फार्मासिस्ट ने डिस्पेंस कर दिया. सेकंड नर्स ने आई, उसने देखा स्लिप पे पिप्रसलिन टेजोबैक्टम है, शी इंजेक्ट डेट ड्रग ए पर्टिकुलर न्यू नेट. 3 दिन बाद वो बच्चा एक्सपायर हो गया. गलती कहाँ है, प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा है बेबी ऑफ, बेबी ऑफ बिल्कुल स्मॉल डैश, आगे कोई फिल नहीं किया, एज, जेंडर, एड्रेस, ठीक है, सीआर नंबर चल रहा है मदर का, क्योंकि अब बच्चे का नाम तो रखा नहीं, बेबी ऑफ लिखा हुआ है. इट मीन्स बाय मिस्टेक दिस वॉज अकर एंड द डेथ. कहां वो बच्चे के लिए खुशी मना रहे थे, डिब्बे बांट रहे थे, कहां विद इन 3 डेज उसकी डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं. सो एडीआर इमीडिएटली अकर्स एंड अलर्ट रिएक्शंस अकर्स. सो अगर अब एडीआर आ गए हैं तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए. There are different agencies I already discussed with you. One is GPRD, that is Journal Practice Research Database in UK, that collect the population based data from GPD. That is जो मैंने अभी डिस्कस किया था, पेशेंट अबव देन 65 years उनको amoxicillin नहीं देनी. That we have calculated that particular data from
GP80s. Another is Upasala Monitoring Center in Sweden. They have collaborated with the different countries, Upasala. They establish the post-marketing surveillance, exchange ADR influence between drug monitoring centers in different countries. So information transferred, stored, secured through all over the centers by internet. And 2 million data till date present with Upasa in Sweden. So when 1 lakh ADRs related death occurs, and studies have shown 5 to 10% of hospitalized patients are like to suffer from ADRs. And ambulatory settings of ADRs incidence rate of accident of 30%. अगर ADRs बढ़ रहे हैं तो नेचुरली फाइनेंस बर्डन भी अकर करेगा. 136 बिलियन पर ईयर्स ADRs के ऊपर जो खर्चा हो रहा है. सो द इट मीन्स ग्रेटर देन द टोटल कॉस्ट ऑफ कार्डियोवेस्कुलर और डायबिटिक केयर. इंस्टेड ऑफ केयर वी हैव जस्ट लुक आफ्टर द ADRs, उस पर भी फाइनेंस खर्चा हो रहा है. सो ट्रीटमेंट कॉस्ट ऑफ ADR रेंज बिटवीन 700 to 3500 पर डे इवन इन इंडिया. सो नाउ इज सॉल्यूशन. सॉल्यूशन मीन्स डिटेक्शन, रिपोर्टिंग, असेसमेंट, प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स ड्रग अफेक्ट इन ह्यूमन विथ फार्माको विजिलेंस. अगर हम इसको एलेबोरेट करें, फार्माको मीन्स मेडिसन, विजिलेंस मीन्स अलर्टनेस एंड वॉचफुलनेस. सो इन रिस्पेक्ट टू डेंजर्स केयर प्रोसेस ऑफ पेइंग क्लोजर कॉन्टिन्यूस अटेंशन विल बी अकर्स थ्रू पर्टिकुलर दिस डिपार्टमेंट, फार्माको विजिलेंस. सो इन दिस एक्टिविटीज फार्माको विजिलेंस वी डिटेक्ट, असेस, अंडरस्टैंड प्रिवेंशन ऑफ ADRs एंड एनी अदर पॉसिबल ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स. द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ फार्माको विजिलेंस डेट अकर इन 1747 दैट क्लिनिकल ट्रायल बाय जेम्स प्रोवाइडिंग इफेक्टिवनेस ऑफ लेमन जूस इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्कर्वी. 1937 आई ऑलरेडी सल्फोनामाइड टॉक्सिटीज अकर्स. 107 चिल्ड्रंस वॉज डाइड. सो फर्स्ट इन 67 नेशनल फार्माको विजिलेंस सेंटर एस्टेब्लिश इन इंडिया इन 2002. फार्माकोविजिलेंस इनिशिएट इन 1998 बट द सेंटर वॉज एस्टेब्लिश इन 2002. देन फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम लॉन्च इन इंडिया इन 2004 एंड 5. स्ट्रक्चर्स ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल वॉर कंडक्ट इन 2005 एंड फार्माकोविजिलेंस इनिशिएट. सो वाई फार्माकोविजिलेंस? बिकॉज टॉक्सिकोलॉजिकल डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द एनिमल स्टडी इज नॉट गुड प्रेडिक्टर्स. I already told thalidomide. In animal studies, data was okay. There is no side effect. But after that, it is post-marketing surveys. 1,000, 10,000 children was suffering with particular disease, who having no limbs, who having no ear. So difficulty to predict adverse reactions of new drugs due to less study populations. So post-marketing survey studies that is frequent per 1,000 rays, more only by the detections. So what does pharmacovigilance will do? One, early detect, immediately detect unknown adverse effect and interactions. In every hospitals, they having pharmacovigilance department. Even though the interns written some pamphlet in every department, doctor's department, sir, if any patients having any ADRs, just ring us. We will reach and check the ADRs. If ADRs coming, we will report immediately to pharmacovigilance department. So detections of increased frequency of known adverse event, identification of risk factor, mechanisms underlying the adverse effect, and after that, we should prescribe and particulars information sent to the different departments.
So how pharmacovigilance, what is the method, that is prescription event monitoring, what doctor prescribed to the patients, post-marketing studies, data linkage, फार्माकोलॉजिकल स्टडीज, डिजीज मॉनिटरिंग, इसको पर्टिकुलर इस डिजीज है तो ये हो सकता है, जैसे मैंने आइसोनियाज़िड की एग्जांपल दी थी अभी। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, ही सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, इफ वी हैव गिवन द पर्टिकुलर ड्रग टू दिस दिस विल बी अकर्स। ऑब्जर्वेशनल, जैसे मैंने एंटासिड और आयरन टैबलेट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स की एग्जाम्पल दी। स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग सिस्टम, इमीडिएटली ये स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग सिस्टम, दैट इज ऑब्जर्वेशनल अप्रोच टू एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ ड्रग रेगुलेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हेल्थ केयर प्रोफेशंस, पेशेंट्स, कस्टमर ऑर्गेनाइजेशंस। सो इसकी स्ट्रेंथ क्या है? वन इज करेक्टराइज्ड एडीआरस, रेयर एडीआरस डिटेक्ट, रेयर हो गया, कोरोना वायरस हो गया है, रेयर इसके एडीआरस क्या रहे, रेयर्स। डिटेक्शन अर्ली वार्निंग एंड सिग्नल्स, अब इसकी अर्ली वार्निंग, वियर द मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, हैंड वॉश, मीन्स हमने डिटेक्ट अर्ली डिटेक्ट कर लिया। हेल्प टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट टॉक्सिटीज, ड्रग अलाउड इट्स विदड्रॉ, अगर हमें पता चल गया इसकी टॉक्सिटी आ रही है तो उसको इमीडिएटली विदड्रॉ करें मार्केट से। जैसे मैंने रॉफिकॉक्सी की बात करी, इन 2004, 13 दिसंबर 2004, आई वॉज इन डीएमसी हॉस्पिटल, वी हैव डूइंग सम ट्रायल्स, इमीडिएटली वी गुड गेट द इंफॉर्मेशन, भी इस ड्रग को विड्रॉ कर रहे थे, तो 13 दिसंबर, ये मुझे अब तक याद है, इसको इमीडिएटली जिस जिस ड्रग स्टोर पे ये मेडिसिन पड़ी थी वहां से विड्रॉ की गई। अनदर, नॉन इंटरफेरेंस विद प्रिस्क्राइबिंग हैबिट ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर की आदत, प्रिस्क्रिप्शन, हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शन इमीडिएटली। उससे पहले काउंसलिंग, एक फार्मासिस्ट का, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का एक रोल आ जाता है, पेशेंट काउंसलिंग डिपार्टमेंट। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज, कॉस्ट पे भी अफेक्ट, कई बार कुछ ऐसी ड्रग हैं दे आर मोर कॉस्टली, हैविंग मैक्सिमम एडीआरस। अब इसके लिमिटेशंस क्या है? एडीआरस अंडर रिपोर्टिंग, नहीं करते, क्या जरूरत है, मैंने टैबलेट खाई, मेरा सर दर्द हुआ, नहीं रिपोर्ट की। पुअर क्वालिटी ऑफ डाटा सबमिटेड अबाउट एन एडीआरस, पुअर डाटा, अगेन पेशेंट्स का नेम है, अगर हम नेम लिख रहे हैं तो नेम के आगे मिस्टर मिस लिखना कंपल्सरी है। एज, जेंडर, डेट इज इंपॉर्टेंट, क्या ये, सपोज अगेन अगर हम कह रहे हैं अमर, अमर लिख दिया, ये अमर फीमेल है या मेल है, इट्स इंपॉर्टेंट, क्या ये, अगर हम उसका पूरा फार्माकोविजिलेंस का डाटा है हमारे पास, उसको फिल कर रहे हैं, देन वी कैन रिपोर्ट ईजली। अगर डेट इज पुअरली क्वालिटी ऑफ डाटा सबमिट करेंगे तो इट इज नॉट अफेक्टिव टू कैलकुलेट द एडीआरस एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। हमारे ग्लोबल में डिफरेंट है, यूके में, नीदरलैंड, यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, सिंगापुर, और दे हैव डिफरेंट रिपोर्टिंग मेथड्स। कौन कौन रिपोर्ट कर सकता है? पेशेंट, डॉक्टर्स, पेशेंट रिलेटिव्स, हेल्थ केयर प्रोफेशंस, जिसमें फिजिशियन, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड अथॉरिटीज। और यूके में सबसे पहले ये मेडिसन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी आई थी इन 1964, दे हैव गिवन येलो कार्ड वेन एवर एनी एडीआरस अकर्स, वो येलो कार्ड देते थे, येलो कार्ड को फिल करो एंड रिपोर्ट करो इन MHRA में। 1997 में डॉक्टर एंड डेंटिस्ट अनकरेज, बोला गया आप एडीआरस कुछ भी आता है एडीआरस को रिपोर्ट करो, और करंटली फार्मासिस्ट एंड कॉर्नर्स एंड नर्सेज आर आल्सो एडेड। तो उसमें एडीएस में क्या करते थे, नोन और अननोन, कुछ नोन भी है, हमें पता है ये नोन है जी, हमने ड्रग ली, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन ली, सरदर्द हुआ, नेसेट्स ली या नारकोटिक्स ड्रग ली, कॉन्स्टिपेशन हुई, नोन है, कुछ अननोन वो भी रिपोर्ट करो, सीरियस, नॉन सीरियस, फ्रीक्वेंट, जैसे हम पेशेंट्स का, आपको प्यास तो नहीं लग रही, पॉली यूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया तो नहीं है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसको भी रिपोर्ट करो। समटाइम कुछ पेशेंट ट्रेडिशनल मेडिसिन ले रहे हैं, हर्बल ड्रग्स, हर्ब्स के साथ वो ड्रग इंट्रैक्शन हो रहा है, ड्रग इंट्रैक्शन हो रहा है तो साइड इफेक्ट आने शुरू हो गए। अब इसके बेनिफिट क्या है? इसके है, हमने सेफ्टी की, ड्रग की भी इतनी ड्रग पर्टिकुलर इस पे सेफ है, अगर हम डोज इंक्रीज करेंगे तो एडीआरस आएंगे।
और इकोनॉमिक पे भी अफेक्ट आएगा। ये ड्रग हैविंग द एडियाज वी शुड विदड्रॉ और वी शुड चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ द पर्टिकुलर ड्रग। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्रग डेवलपमेंट 5,000 सब्जेक्ट वुड बी रिसीव्ड पर्टिकुलर ड्रग जब हम ड्रग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सो देर आर नीड टू कंसल्ट मॉनिटरिंग एडियाज ऑफ द ड्रग्स आफ्टर मार्केटिंग सर्विलेंस वी शुड नो दैट इज पोस्ट मार्केट सर्विलेंस। और जैसे हमें ये इंफॉर्मेशन आ जाती तो उस इंफॉर्मेशन में वी शुड नो क्या ये ड्रग प्रेग्नेंट वुमेन को दी, क्या ये ड्रग चिल्ड्रन को दी, क्या ये ड्रग एल्डर्स को दी, दैट इज कैटेगराइज्ड। एंड आफ्टर क्रोनिक यूज कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग ऑल्सो, जैसे ड्रग एंड फूड इंट्रैक्शन, जैसे मैंने बोला टेट्रासाइक्लिन एंड दिस मिल्क। इसमें एक और है, अगर हम किसी पेशेंट्स को एंटी कैंसर ड्रग दे रहे हैं और एंटी कैंसर ड्रग के साथ हम ग्रेप्स दे रहे हैं, तो ग्रेप्स उस एंटी कैंसर ड्रग का कोई यूज नहीं है। रीजन, ग्रेप्स हैज द क्वालिटीज एज ए डिटॉक्सिफाई अवर बॉडी, टॉक्सिसिटी बाहर निकालते हैं। एंटी कैंसर ड्रग्स आर द मोस्ट टॉक्सिक ड्रग्स। व्हेन एवर गिवन दीज ड्रग्स टू द पेशेंट, आफ्टर दैट ग्रेप्स विल बी टेकन बाय द पेशेंट्स, द ग्रेप्स एक्सक्रीट द पर्टिकुलर ड्रग, जिससे अगेन कैंसर्स रिलीव नहीं होगा। सो मीन्स फूड ड्रग इंट्रैक्शंस रिस्क फैक्टर, दैट इज इंपॉर्टेंट। और यूएसए में है, यूएसए में इंटरनल है और एक्सटर्नल है। इंटरनल मीन्स हॉस्पिटल बेस्ड, एक्सटर्नल मेडिकेशन एरर रिपोर्टिंग प्रोग्राम, मेड मैक्स, मेड वॉच, सैनिटल इवेंट रिपोर्टिंग प्रोग्राम, देर आर डिफरेंट रिपोर्ट इन यूएसए। और एवरी ईयर 45,000 रिपोर्ट्स दे हैव रिसीव्ड इन देयर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स। इन कनाडा दे हैव कैडरैप, कैडरैप दैट इज कनेडियन एडवांस ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग प्रोग्राम, दैट द मेजर रिपोर्ट इज 74% बाय द फार्मासिस्ट। ऑस्ट्रेलिया दे हैव गिवन द ब्लू कार्ड, ब्लू कार्ड टू एवरीबडी। इफ यू हैव एनी साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, यू जस्ट राइट ऑन दिस पर्टिकुलर ब्लू कार्ड, दैट इज ADRU, दैट इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन यूनिट विथ थेरापेटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन कोरिलेट इन ऑस्ट्रेलिया। एंड दिस वॉज एस्टेब्लिश इन 1970 टू एल्यूएट द रिपोर्ट। इन न्यूजीलैंड दे हैव CARM, दैट इज सेंटर ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन मोनिटरिंग, एंड हेयर फार्मासिस्ट ओनली 3% दे हैव रिपोर्टिंग एंड 67% डॉक्टर्स आर रिपोर्टिंग। इन नीदरलैंड दे हैव LRET, LARET, दैट इज नीदरलैंड मेडिसिन एवेल्यूशन बोर्ड, एंड फार्मासिस्ट कंट्रीब्यूट 40% इन ADR सपोर्टिंग। स्वीडन दे हैव मैंडेटरी फॉर एवरी मेडिकल प्रैक्टिशनर इन स्वीडन टू रिपोर्ट, इट्स ए मैंडेटरी। सो इंडस्ट्री गवर्नमेंट बॉडीज आर जस्ट लुक आफ्टर दिस पर्टिकुलर्स। इन सिंगापुर द फार्माकोविजिलेंस यूनिट्स एट द सेंटर ऑफ फार्मास्यूटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिंगापुर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ADRs, फिजिशियन डेंटिस्ट फार्मासिस्ट रिपोर्टिंग द ADRs। नाउ इन इंडिया, इन इंडिया देर इज नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम बेस्ड इन डिस्को, बिकम ऑपरेशन फ्रॉम 1 जनवरी इन 2005 एंड इट्स अगेन फंक्शन सिंस 2009। सो हाउ वी डिटेक्ट द ADRs, लाइक पेशेंट इंटरव्यू, पेशेंट काउंसलिंग, रिव्यू द प्रिस्क्रिप्शंस लाइक इट्स प्रिस्क्रिप्शन फॉर NSAIDs, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, हाइपरटेंसिव ड्रग्स और एंटीबायोटिक, वी जस्ट लुक आफ्टर बाय कलेक्टिंग प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट्स एंड फाइंड आउट द पेशेंट्स हैव कंप्लेन ऑफ एनी सिम्टम्स। अनदर कंप्लीट डिटेल ऑफ पेशेंट प्रटेनिंग बोथ इवेंट्स, मेडिकेशंस एंड अदर रिलेटिव इंफॉर्मेशन। एंड हाउ टू डिटेक्ट मीन्स इवन दो टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ सस्पेक्टेड रिएक्शंस, कब ये स्टार्ट हुआ रिएक्शंस, एंड ड्यूरेशंस कितने ड्यूरेशंस था, नेचर ऑफ द रिएक्शंस एंड प्रीवियस रिपोर्ट इज रिपोर्टेड इन पर्टिकुलर रिएक्शंस।
other relevant information like patient demographic data, presenting complaints, past medication histories, क्या वो इसको ओटीसी मेडिसिन सबसे ज्यादा मिस यूज जो ओटीसी मेडिसिन का हमारे इंडिया में हो रहा है, जेलोसिल। तेरे पास जेलोसिल टैबलेट है, प्रॉब्लम नहीं भी है, एक हमारे पास आफ्टर यू जस्ट टेकन द फूड जेलोसिल पड़ी हुई है, तेरे पास है, लाओ मैं भी खा लेती हूँ। इट मीन्स मैक्सिमम मिस यूज ऑफ द जेलोसिल इन द इंडिया। सो ट्रीटमेंट विद एनी अदर सिस्टम ऑफ मेडिकेशंस। सो अगर हमने रिपोर्ट करना है तो क्या रिपोर्ट करना है? वन इज सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शंस, फेटल रिएक्शंस, रिएक्शन रिजल्ट इन डिसेबिलिटीज और परमानेंट हार्म जैसे थैलिडोमाइड्स, रिएक्शन रिजल्ट इन इंक्रीज्ड हेल्थ केयर कॉस्ट, रिएक्शंस टू एनी ड्रग्स इन द मार्केट एंड न्यूली इंट्रोड्यूस, अभी मार्केट में नहीं आई इसके में कोई रिएक्शन हुआ वो बताना, रेयर एंड अनकॉमन एडवर्स इफेक्ट। एंड फार्मासिस्ट मे रिपोर्ट फॉर फिलिंग द एडियस नोटिफिकेशन फ्रॉम इट्स फॉलोइंग डिटेल्स, उसमें कौन कौन सी डिटेल थी, पेशेंट्स का नेम, एज, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, प्रिस्क्राइबर्स नेम एंड डेजिग्नेशन, कौन सी उसको पेशेंट्स को ड्रग लिखी, कब ये एडीआर स्टार्ट हुआ, डेट क्या थी एडीआर्स की, ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस क्या हुई इस रिएक्शंस की, नेम ऑफ एड्रेस ऑफ रिपोर्टिंग कम्युनिटी फार्मासिस्ट, हमारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट का वहां पे रोल आएगा। कहां पे रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट बना ली, पहुंचानी कहां है, वन इज लोकल सेंटर्स, रीजनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स, जोनल सेंटर, नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर और WHO कोलैबोरेटिव सेंटर्स। In everywhere, in like in DMC they have pharmacovigilance center, CMC hospital have pharmacovigilance center, we should also report there. So these are the basics knowledge about the ADRs. So I would like to happy the persons who are watching this live videos and thanks for listening this lecture. I have just completed because the time limit was only 1 hour and I have completed. I thanks again IPRs members and Indian Pharmacists Associations who provide me this chance and the management of Lala Lajpat Rai who just provide me this platform to deliver this lecture about the ADRs, because nowadays ADRs affect the human health. Thank you again. Like Malik.